कि स्टोर से ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, वो ऑर्डर को हम कैसे ट्रैक करते हैं और उसका कमीशन कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, तो ये सारा प्रोसीजर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पे वर्क करना है तो गूगल क्रोम ब्राउजर के थ्रू ही करना होगा, और कोई दूसरा ब्राउजर अगर आप यूज करते हो और उससे कोई ऑर्डर करते हो सकता है, बहुत चांसेस है कि आपका प्रॉपर ऑर्डर ना हो, तो आपको गूगल क्रोम ब्राउजर ही यूज करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ब्राउजर मैंने पीसी में ओपन करके रखा है। तो आप जब ऐसा ओपन कर ले हुए तो आपको पहला स्टेप क्या करना होता है, एक एक्सटेंशन ऐड करना है। वो एक्सटेंशन का नाम है एसोसिएट स्टोर। तो ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पे उसे आपको सर्च करना है। ये जो एसोसिएट स्टोर का एक्सटेंशन है, अगर आपको इसका लिंक नहीं है आपके पास तो आप सपोर्ट टीम या आपके आरएम को कांटेक्ट कर सकते हो, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये जो एसोसिएट स्टोर का एक्सटेंशन है ये हमें हेल्प क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक्सटेंशन आप ऐड कर दोगे तो आपका स्टोर का पेज इजीली एक्सेस कर सकते हो, जो भी ऑर्डर आपका हो रहा है वो प्रॉपर होगा। अगर आप ये एक्सटेंशन ऐड नहीं कर रहे हो और आगे का स्टेप आप करते हो, जैसे कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए ट्राई कर रहे हो या कोई दूसरा कोई चीज आप करने के लिए ट्राई कर रहे हो स्टोर का, तो वो आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये एक्सटेंशन आपको कंपलसरी आपके स्टोर क्रोम ब्राउजर पे ऐड करना ही करना है। ये ऐड करने के बाद ही आपको स्टोर का पेज एक्सेस करना है। तो ये वन टाइम प्रोसेस है, एक बार आप इसे ऐड कर देते हो तो इसे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। ये तभी रिमूव होगा अगर आप क्रोम ब्राउजर अनइंस्टॉल कर देते हो या क्रोम ब्राउजर का हिस्ट्री क्लियर करके कोई चेंजेस कर रहे हो, ये तब जाके रिमूव होगा। बाकी ये एक बार ऐप ऐड कर देते हो तो इसे आप कभी भी इजीली एक्सेस कर पाओगे। तो ये सिंपली आपको क्या करना होता है, वो लिंक जो मैंने अभी सर्च किया था वैसे आपको सर्च करना है ऊपर यहाँ पे यूआरएल में। तो एसोसिएट स्टोर करके ऐसा एक पेज ओपन होगा, इसमें आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके इसे ऐड कर देना। तो ये एक्सटेंशन एक बार ऐड होने के बाद कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा, रिमूव फ्रॉम क्रोम, दैट मीन्स ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और भी तरीका है इसे चेक करने के लिए, यहाँ पे ये जो थ्री लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मोर टूल्स होगा और वहां पे जाके आप एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एसोसिएट स्टोर करके यहाँ पे एक्सटेंशन दिखाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी यहाँ पे कोई एक्सटेंशन दिख रहा है तो उसे रिमूव कर देना है, यही एसोसिएट स्टोर का प्रॉपर एक्सटेंशन है स्टोर का। तो ये एक्सटेंशन ऐड है तो यहाँ से भी आप कंफर्म कर पाओगे। तो हमने अभी सक्सेसफुली एक्सटेंशन ऐड कर लिया है, तो एक्सटेंशन ऐड होने के बाद हम इजीली हमारे स्टोर का पेज एक्सेस कर सकते हैं। और स्टोर का पेज एक्सेस करने के लिए आपको store.amazon.in करके सर्च करना है। आपको ये चीज याद रखना है, आप नॉर्मल पेज सर्च नहीं कर रहे हो, amazon.in आपको सर्च नहीं करना है, आप स्टोर का पेज सर्च कर रहे हो तो आपको store.amazon.in सर्च करना है, तभी आप प्रॉपर स्टोर का पेज एक्सेस कर पाओगे। amazon.in करके सर्च करोगे तो काफी बार ऐसा हो जाएगा कि आपका नॉर्मल amazon पेज ओपन होगा और उससे ऑर्डर आप करोगे तो आपका कमीशन ऐड नहीं होता, तो आप store.amazon.in ही आपको सर्च करना है। तो जब पहली बार आप एक्सटेंशन ऐड करते हो और store.amazon.in करके आप सर्च करोगे तो कुछ आपके सामने ऐसा व्यू होगा, लॉगिन पेज, और amazon.in एसोसिएट करके अगर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एंड लॉगिन यूजिंग योर एसोसिएट आईडी करके लिखा हुआ आ रहा है, दैट मींस ये स्टोर का लॉगिन है। आपका एसोसिएट आईडी यहाँ पे एंटर करके आपको लॉगिन करना होता है। तो आपने देखा होगा नॉर्मल amazon में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आता, यहाँ पे अगर ऊपर मेंशन किया गया है लॉगिन यूजिंग योर एसोसिएट आईडी amazon.in एसोसिएट करके मेंशन किया गया है, दैट मींस आपको आपका स्टोर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है। अब स्टोर आईडी पासवर्ड क्या होगा, जब वेरिफिकेशन के टाइम पे जो मेल आईडी आपने प्रोवाइड किया है वही आपका एसोसिएट आईडी है स्टोर आईडी, तो वो एसोसिएट आईडी यहाँ पे आपको एंटर करके लॉगिन करना है एंड पासवर्ड वही होगा जो वो मेल आईडी से आपने नॉर्मल Amazon में जो पासवर्ड रखा है वही पासवर्ड आपका एसोसिएट में भी होगा। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगॉट करके एक नया क्रिएट कर सकते हो, सिंपली फॉरगॉट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपका जो मेल आईडी है वो एंटर कर लेना और कंटिन्यू कर देना। जब आप कंटिन्यू करोगे आपके मेल आईडी या आपके मेल आईडी के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो एंटर करके आप वेरीफाई करके पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। तो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद वो पासवर्ड आप एंटर करके इजीली लॉगिन कर सकते हो। तो अभी मेरे पास एक डेमो एसोसिएट आईडी है तो वो मैं एंटर करके लॉगिन करके आपको बताता हूं।
यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने मेरे पास जो डेमो एसोसिएट आईडी एंड पासवर्ड था वो एंटर करके लॉगिन कर लिया। आपका जो एसोसिएट आईडी एंड पासवर्ड होगा वो आप एंटर करके जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने भी सेम ऐसी स्क्रीन आएगा और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आएगा वेलकम टू योर अमेजोन इजी स्टोर फ्रेंड और यूआरएल होगा store.amazon.in। तो ये जो चीज देखकर आप कंफर्म कर सकते हो कि आप प्रॉपर स्टोर के पेज में हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपका नाम नहीं मेंशन किया जाता है या आपका स्टोर का नाम मेंशन नहीं किया जाता है। ये देखकर ही आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका स्टोर का पेज ओपन हुआ है, आपके स्टोर के अंदर ही हो आप। एंड यहाँ पे जो साइन इन दिखता है वो होता है कस्टमर साइन। तो अभी आपने आपका स्टोर तो एक्सेस कर लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू अमेज़न इजी स्टोर फ्रंट। तो आपने आपका स्टोर तो एक्सेस कर लिया है, अब आपके पास जो कस्टमर आपके यहाँ पे आते हैं शॉप पे ऑर्डर प्लेस करने के लिए, उन्हें आपको आपके स्टोर के अंदर साइन इन कराना है। आप देख सकते हो नॉर्मल अमेज़न में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया जाता है, जैसे कि मैंने इनकोग्निटो में amazon.in सर्च किया है तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। ये नॉर्मल वेबसाइट जैसा ओपन हुआ है, नॉर्मल यूआरएल है amazon.in, यहाँ पे ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ये नॉर्मल अमेजोन का पेज है। अगर ऐसा कोई पेज आ रहा है, आप स्टोर पेज एक्सेस करने जा रहे हो और ऐसा कोई पेज आ रहा है, दैट मीन्स वो प्रॉपर नहीं है। तो एक बार आपके सपोर्ट टीम पे एक बार कॉल करके इसे कंफर्म कर लीजिए। तो ये अभी हमने नॉर्मल पेज देख लिया, तो यहां से आप ये कंफर्म कर सकते हो कि स्टोर का पेज कैसे दिखता है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू अमेजोन इजी स्टोर फ्रंट और अभी हमारा स्टोर ओपन है। तो अभी कोई कस्टमर हमारे पास आते हैं तो हमें हम साइन इन कराएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और साइन इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया जाता है। अगर कस्टमर के पास ऑलरेडी अमेजोन अकाउंट है तो आप डायरेक्ट उन्हें साइन इन कर दीजिए, अगर उनके पास कोई अकाउंट नहीं है तो उनके लिए एक अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। तो डायरेक्ट साइन इन करने के लिए आपको उनका आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके साइन इन कर लेना है। अगर वो बोलते कि नहीं हमारे पास अमेजोन अकाउंट नहीं है, तो यहाँ से आप क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करके एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या एंटर करना होगा, उनका मोबाइल नंबर, उनका नेम एंड पासवर्ड, ईमेल आईडी अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है कस्टमर के पास वो ऑप्शनल है, नहीं एंटर करोगे तो भी क्रिएट हो जाएगा। तो कंटिन्यू करोगे तो ओटीपी जाएगा ये वाले मोबाइल नंबर पे जो आप कस्टमर का एंटर करते हो, तो वो ओटीपी एंटर कर दोगे तो एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे आपको स्टोर के थ्रू एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप क्रिएट ऐसा कुछ करते हो तो आपको कमीशन के साथ साथ बोनस भी मिलता है। नॉर्मली अगर कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, आप लॉग इन करके ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसका कमीशन तो ऐड होगा, बट कोई अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो और उससे कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको कमीशन के साथ साथ बोनस भी मिलता है। तो ये बोनस तब मिलेगा अगर आप क्रिएट करके जो पहला ऑर्डर है, आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उसके बाद जो भी ऑर्डर होगा पहला ऑर्डर होगा, तो जो पहला ऑर्डर है वो ऑर्डर 600 के ऊपर होना चाहिए। अगर 600 के ऊपर है तो आपको कमीशन के साथ साथ बोनस भी मिलेगा, अगर 600 के नीचे कर रहे हो तो सिर्फ आपका उसका कमीशन ही ऐड होगा। तो आप जब भी अकाउंट क्रिएट करोगे तो ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर 600 के ऊपर होना चाहिए। तो ये जो न्यू कस्टमर बोनस है आपको 3 ऑर्डर तक मिलेगा। तो पहला ऑर्डर का बोनस होता है 72 रुपीज। तो ये जो बोनस है आपको तभी मिलेगा अगर आप स्टोर के थ्रू प्रॉपर अकाउंट एक क्रिएट कर रहे हो कस्टमर का और 600 के ऊपर ऑर्डर करते हो। तो जो सेकंड ऑर्डर होगा वो कस्टमर का, उसका भी आपको बोनस मिलेगा 90 रुपीज। एंड जो थर्ड ऑर्डर है उसका भी बोनस आपको मिलेगा 108 रुपीज। तो ये जो न्यू कस्टमर बोनस है ये आपको और भी बेनिफिट देता है, क्योंकि अगर आप आपके स्टोर के थ्रू कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हो और पहला ऑर्डर आपने आपके स्टोर के थ्रू कर दिया है और सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर आप स्टोर से नहीं, कस्टमर खुद पर्सनल उनके डिवाइस में कर रहा है, जो अकाउंट आपके स्टोर से क्रिएट हुआ है उससे पहला ऑर्डर आपने कर दिया, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर कस्टमर खुद अपने पर्सनल डिवाइस में करता है, तभी भी आपको उसका बोनस मिलेगा अगर वो जो ऑर्डर है सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर 600 के ऊपर होगा। तो ये अकाउंट क्रिएट करने का बेनिफिट सिर्फ आपके स्टोर से नहीं, अगर कस्टमर पर्सनल डिवाइस में भी करता है तभी भी इसका बेनिफिट मिलता है आपको। तो ये अकाउंट ऑर्डर जो है क्रिएट अकाउंट करके करते हो, ध्यान रखिएगा कि पहले का तीनों ऑर्डर 600 के ऊपर हो ताकि आप उस हर चीज का बोनस का बेनिफिट आप ले पाए। अब एग्जिस्टिंग क्लाइंट को आप डायरेक्ट साइन इन कर दोगे तो मेरे पास एक कस्टमर डेमो आईडी भी है, वो लॉग इन करके मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो हमने एसोसिएट लॉग इन जो किया था, वेलकम टू अमेजोन इजी स्टोर फ्रेंड लिखा हुआ आ रहा है, तो हमारा लॉगिन जो है हमारे लॉगिन के अंदर, हमारे स्टोर के अंदर कस्टमर को हमने लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर रखना है,
ये जो साइन इन है ये कस्टमर का होता है, ये जो साइन इन हमने किया था वो एसोसिएट का था। तो यहाँ पे कभी भी आपके एसोसिएट आईडी लॉग इन नहीं करना है, क्योंकि ये लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स आपका एसोसिएट आईडी लॉग इन है। तो यहाँ पे भी आप आपका एसोसिएट आईडी लॉग इन करके ऑर्डर करोगे, ऑर्डर तो सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा बट उसका कमीशन आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कभी भी आपका एसोसिएट आईडी यूज नहीं करना है। अगर हाँ आपका कोई पर्सनल ऑर्डर है तो वो ऑर्डर भी अगर आपको करना है तो आपका जो पर्सनल आईडी होगा उससे ही ऑर्डर करना है। और ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक ही ऑर्डर से आप रिपीटेड ऑर्डर करोगे तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस है। तो आपको एक ही आईडी बार बार यूज करके ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। तो जितना हो सकता है आप यूनिक आईडी यूज करिए, कस्टमर का आईडी यूज करिए और उससे ऑर्डर प्लेस करिए। तो अभी हमने आईडी लॉग इन कर लिया, रेंडमली अभी एक प्रोडक्ट हम सर्च करके देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को ये प्रोडक्ट खरीदना था, तो हमने अभी वो प्रोडक्ट ओपन कर लिया है, हमारे स्टोर के अंदर कस्टमर लॉग इन है एंड प्रोडक्ट भी ओपन है। तो हमें क्या पहले चेक करना होता है, कस्टमर का एड टू कार्ड में कोई भी प्रोडक्ट एड हुआ होना नहीं चाहिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट एड टू कार्ड में दिख रहा है आपको उसे पूरा क्लियर कर देना है। वो चेक नहीं करोगे और आपने ऑर्डर कर दिया तो आपका कमीशन हो सकता है एड हो ही नहीं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, एड टू कार्ड आपको क्लियर कर देना है। अगर आप खुद पर्सनल एड टू कार्ड कर रहे हो तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कस्टमर आया, उन्हें 2 से 3 प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप उसे एड टू कार्ट करके आपके स्टोर के थ्रू लॉग इन करके एड टू कार्ट कर सकते हो 1-2 प्रोडक्ट। बट कस्टमर ऑलरेडी वो 2-3 प्रोडक्ट एड टू कार्ट करके रखा है तो उसे आपको रिमूव कर देना है। आप खुद एड टू कार्ट करोगे तो वो चलेगा। तो अभी हमने वो चेक कर लिया, एड टू कार्ट में कोई प्रोडक्ट है नहीं और ये कस्टमर को एक ही प्रोडक्ट खरीदना था ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। तो हमें अभी कोई प्रोडक्ट एड टू कार्ट करना नहीं है और जो ऑलरेडी है क्या वो भी चेक कर लिया हमने, कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं है, यहाँ पे 0 दिखा रहा है। और यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल्स भी आपको चेक कर लेना है, हो सकता है रिप्लेसमेंट डेज यहाँ पे 7 लिखा है तो हर एक प्रोडक्ट का सेम ना हो। तो कोई कोई प्रोडक्ट का 30 भी होता है, कोई कोई प्रोडक्ट का 15 डेज होता है। तो आपको रिटर्न पॉलिसी भी एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पे सारा डिटेल आपको देखकर, यहाँ पे प्राइस भी दिखाकर आपको कस्टमर्स को एक बार ये क्लियर आउट कर देना है तो इन फ्यूचर कोई कोई उनको कोई डाउट ना हो। तो उनको सारा डिटेल एक बार आप बता दोगे तो उनको भी एक क्लैरिटी रहेगा। तो यहाँ पे सारा डिटेल आप चेक करने के बाद आप बाय नाउ कर सकते हो। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो कुछ ओटीपी का सेक्शन आएगा, ऐसा ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड करके। तो ये जो ओटीपी का प्रोसेस है ये आप कस्टमर को खुद को भी बोल सकते हो कि हम जो लॉग इन कर रहे वो लॉग इन हम तभी कर पाएंगे, ऑर्डर या कुछ भी हम तभी कर पाएंगे जब आपके तरफ से आप ओटीपी शेयर करोगे। तो आपके परमिशन के बिना हम आपके स्टोर का कोई भी, आपका जो पर्सनल अकाउंट जो लॉग इन हुआ है इसके अंदर उसका कोई भी यूज हम नहीं कर पाएंगे आपके परमिशन के बिना। तो आप ओटीपी शेयर करोगे तभी हम ये चीज एक्सेस कर पाते। तो ये चीज बोलोगे तो एक कस्टमर्स को भी एक सिक्योर फील रहेगा। तो यहाँ पे आप कस्टमर का ओटीपी एंटर करके उन्हें पहले आपको लॉग इन कर लेना है बाय नाउ के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्राइमरी का जो ओटीपी था वो एंटर करके लॉगिन कर लिया। और जैसे मैंने बाय नाउ पे लॉगिन किया और यहाँ पे 3 पेमेंट मेथड दिख रहा है। अभी मैं लॉगिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने जो लॉगिन पहले किया था वो अकाउंट का था, ये जो लॉगिन हम कर रहे हैं ये बाय नाउ का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेमेंट मेथड आपको दिख रहा है ये 3 पेमेंट मेथड है। ये 3 ही पेमेंट मेथड हम स्टोर से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी पेमेंट मेथड दिख रहा है स्टोर के अंदर तो वो जो पेमेंट मेथड है वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉपर पेमेंट मेथड है, स्टोर का होता है। यूआरएल आप चेक कर लीजिए, store.amazon.in होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा कोई यूआरएल पे amazon.in ऐसा कुछ मेंशन किया गया तो वो प्रॉपर स्टोर लॉगिन नहीं है। और पेमेंट मेथड है वो जो है ये यूपीआई ऐप, पे एट स्टोर और ये पे ऑन डिलीवरी, ये 3 ही पेमेंट मेथड होता है। उसके अलावा आपको कोई भी मेथड दिख रहा है पेमेंट का तो वो भी आपको यूज नहीं करना है क्योंकि वो जो पेज है वो नॉर्मल अमेजोन का पेज होता है
फॉर एग्जाम्पल एड डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन दिख रहा है तो वो नॉर्मल कार्ड का ऑप्शन होता है, और तो यहां पे आप देख सकते हो अगर नॉर्मल पेमेंट मेथड आप कैसे अज्यूम करोगे कि ये नॉर्मल पेज है, यहां पे ऊपर यूआरएल पे amazon.in लिखा हुआ आ सकता है, या आपको डेबिट या क्रेडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, या नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको दिखता है तो वो पेज ही गलत है। आपको सारा चीज एक बार क्लोज कर लेना है, वापस आपको चेक करना है। जब आपको ये प्रॉपर तीन मेथड दिख रहा है तभी आपको ऑर्डर प्लेस करना है। हाँ, अगर कस्टमर ने अमेजोन पे का कोई बैलेंस एड करके रखा है वॉलेट में तो वो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा अमेजोन पे, ये जो कस्टमर को हमने लॉग इन किया इन्होंने वॉलेट में कोई बैलेंस एड नहीं किया उसलिए वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो उसके अलावा जो प्राइमरी तीन पेमेंट मेथड स्टोर का होता है वो ये तीन ही है। इसके अलावा कोई भी मेथड आपको दिख रहा है तो आपको ऑर्डर नहीं करना है, आपको क्लोज कर देना है, वापस चेक करना है। जब प्रॉपर तीन मेथड दिख रहा है तभी आपको ऑर्डर प्लेस करना है। पे ऑन डिलीवरी एज यूजुअल होता है, कैश ऑन डिलीवरी जैसे प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद कस्टमर को कैश देना होगा और उसका ऑर्डर जो है वो फुलफिलमेंट होगा। और यूपीआई ऐप क्या होता है, अगर कस्टमर को गूगल पे फोन पे ऐसा कोई पेमेंट मोड के थ्रू पेमेंट करना है तो ये यूपीआई के थ्रू आप कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल उनको गूगल पे के थ्रू करना था तो वो यूपीआई आईडी यहाँ पे आपको एंटर करके वेरीफाई करना है। अब वंस वेरीफाई करने के बाद आपको कंटिन्यू करके ऑर्डर प्लेस करना होगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर आपको यूपीआई का जो पेमेंट है वो करना होगा। तो पेमेंट कैसे होगा, अब आपने ऑर्डर प्लेस करते ही, अब फॉर एग्जाम्पल गूगल पे का जो आपने यूज किया यूपीआई आईडी उसमें अमेजोन की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा तो वो नोटिफिकेशन उसे लिंक पे क्लिक करके ओपन करना होगा और उसका जो यूपीआई का पिन है वो पिन एंटर करके उस चीज का पेमेंट करना होगा। तो जैसे ही वो गूगल पे के थ्रू पेमेंट करेंगे तो ऑर्डर जो है वो फुलफिलमेंट हो जाता है। तो सिंपल है, यहाँ पे यूपीआई आईडी एंटर करना है, वेरीफाई करना है और कंटिन्यू करके ऑर्डर प्लेस करना है और 10 से 15 मिनट के अंदर उनको जो यूपीआई में जो पेमेंट का लिंक गया होगा उसका पेमेंट उन्हें सक्सेसफुली कर देना है। तो जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो ये ऑर्डर सक्सेसफुली हो जाएगा। और यूपीआई आईडी आप यूज नहीं करना चाहते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू उन्हें पेमेंट करना है तो आप पेड स्टोर से कर पाओगे। पेड स्टोर से आप डेबिट क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैसे होगा, अगर कोई कस्टमर आता है आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेकर तो उन्हें आप इजीली पेड स्टोर के थ्रू पेमेंट करवा पाओगे स्वैपिंग मशीन के थ्रू। अगर आपको डेबिट का कोई ऑप्शन दिख रहा है, एड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का अगर ऑप्शन दिया जाता है इसमें तो अगर आप कस्टमर से उनसे डिटेल पूछते तो वो इनसिक्योर फील करते। अगर वो डिटेल आपको प्रोवाइड कर देंगे और उससे आप डिटेल उनसे एक्सेस कर लेते हो तो उनको एक डर रहेगा कि इसे आप मिसयूज ना कर ले। तो ये अच्छा है कि आप पेड स्टोर से अगर ऑर्डर करते हो तो आपको पेमेंट कार्ड के थ्रू मशीन के थ्रू ही होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उन्हें कोई डिटेल भी आप शेयर नहीं करना होगा तो आप इजीली उस चीज का पेमेंट कर पाओगे। तो अभी पेड स्टोर हमने सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट करके जब हम कंटिन्यू करके ऑर्डर प्लेस करते तो 24 आवर्स के अंदर उन्हें पेमेंट करना होता है। अब 24 आवर्स के अंदर वो पेमेंट नहीं करते तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और 24 आवर्स मीन्स वो मशीन के थ्रू उन्हें कार्ड स्वाइप करना होगा और कार्ड का पिन एंटर करके उसका पेमेंट करना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पेड स्टोर से ऑर्डर करोगे तो आपको 24 आवर्स के अंदर उस चीज का पेमेंट कर देना। तो अभी हमने पेड स्टोर सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके हम एक ऑर्डर प्लेस भी कर लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर प्लेस होने के बाद आप मशीन के थ्रू पेमेंट कैसे करा पाओ। तो अभी हमने पेड स्टोर सेलेक्ट किया और कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके आप जब नेक्स्ट पेज में आते हो तो आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे बताया जाता है, जैसे कि आप डिलीवरी डेट भी देख सकते हो यहाँ पे 18 अगस्त करके प्रोवाइड किया गया। तो ये भी आप कस्टमर को बता पाओगे कि प्रोडक्ट कब तक रिसीव होगा। तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल भी दिया होगा, अगर कस्टमर को चेंजेस करना है तो यहाँ पे चेंजेस पे क्लिक करके जो कस्टमर रखना चाहता है वो एड्रेस आप यहाँ पे इजिली रख पाओगे। अगर एग्जिस्टिंग एड्रेस है उसे एडिट करना है तो यहाँ से एडिट भी हो जाएगा, या एड करना है तो वो भी एड करवा सकते हो। और यहाँ पे कोई गिफ्ट वाउचर है उनके पास, कोई गिफ्ट कार्ड है या प्रमोशनल कोड है तो वो भी यहाँ पे आप एंटर करके अप्लाई करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको पेमेंट का भी सारा डिटेल दिखा देगा, जैसे कि डिलीवरी चार्ज ये प्रोडक्ट का नहीं है तो वो भी माइनस किया गया, तो वो सारा डिटेल भी यहाँ पे बता देता है। तो यहाँ सारा चीज आप यहाँ पे एक बार चेक करके उसके बाद यहाँ पे प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक करके ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो यही सिंपल प्रोसीजर है ऑर्डर प्लेस करने का। स्टोर के थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो,
यही प्रोसीजर से होगा। वो तीन पेमेंट मेथड के थ्रू एक पेमेंट मेथड आपको सेलेक्ट करके ऑर्डर करना है, और वो तीन पेमेंट के थ्रू आप कोई भी करोगे उस चीज का कमीशन ऐड होगा। अमेजोन पे भी आप करते हो तो उसका भी कमीशन ऐड होगा। उसके अलावा कोई पेमेंट मेथड नहीं है स्टोर का, तो आपको दिख रहा है तो वो पेज ही गलत है, तो आपको क्लोज करके वापस चेक करना है। जैसे अभी हमने किया ऐसा प्रॉपर दिख रहा है, तभी आपको ऑर्डर करना है, तभी आपका कमीशन ऐड होगा। तो आप ऑर्डर तो सक्सेसफुली हमने प्लेस कर दिया है, बट उसका पेमेंट अगर हम नहीं करते 24 आवर्स के अंदर, क्योंकि हमने पेमेंट मेथड पेड स्टोर सेलेक्ट किया है, तो मशीन के थ्रू पेमेंट होगा, तो 24 आवर्स के अंदर हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे तो ये ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो अभी ये जो टोकन नंबर 6 डिजिट का दिख रहा है ना, तो आफ्टर एवरी ऑर्डर आप जितना भी ऑर्डर करते हो स्टोर के थ्रू, तो हर एक ऑर्डर के बाद ऐसा 6 डिजिट का टोकन नंबर जनरेट होता है। तो ये टोकन नंबर आपको मशीन में एंटर करना होता है, एंटर करने के बाद वो प्रोडक्ट को फैच कर लेता है, फैच होने के बाद आपको सिंपली कार्ड स्वाइप करना है, कार्ड का पिन एंटर करके उस चीज का पेमेंट करना कर देना है। जो भी नॉर्मल अमेजोन में आपको जैसे कि इंस्टेंट डिस्काउंट कैशबैक ऑफर का जो बेनिफिट मिलता है, वो आपको स्टोर के थ्रू स्वाइपिंग मशीन के थ्रू भी मिलेगा। तो जो भी चीजें आप नॉर्मली एक्सेस कर पाते हो, सारा चीज आप स्टोर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। तो कस्टमर को हर एक फैसिलिटी, नॉर्मल वाला हर एक फैसिलिटी स्टोर में भी मिलता है। तो यहां से हमने अभी कस्टमर को लॉग इन करा के सक्सेसफुली एक ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। अगर हाँ, अगर कस्टमर को रिचार्ज भी करना हो तो आप अमेजोन पे के थ्रू रिचार्ज भी करा सकते हो। यहाँ पे सारा डिटेल प्रोवाइड किया गया है, बिल पेमेंट्स भी करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का या डीटीएच रिचार्ज करना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, सारा डिटेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी आपको प्रोसेस करना होगा उस पर क्लिक करके आप कर सकते हो। कस्टमर को साइन इन करना होगा आपको, उसके बाद डिटेल फिल करना होगा, और पेमेंट मेथड एज यूजुअल जैसा प्रोडक्ट का आता है वैसे आपको रिचार्जेस के भी आएंगे। तो अभी हमने एक ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस कर लिया, तो स्टोर का ऑर्डर प्लेस करने का हमने प्रोसीजर देख लिया, बट जो ऑर्डर हमने किया है वो प्रॉपर स्टोर से हुआ है कि आप कंफर्म कैसे करोगे, या वो प्रोडक्ट को आप ट्रैक कैसे करोगे। तो ये जो चीजें आपको ट्रैक ऑर्डर पे आप कर सकते हो, और हर एक ऑर्डर के बाद आपको तुरंत चेक कर लेना है, इसके लिए आपको store-dashboard.amazon.in करके सर्च करना होता है। तो यहां से आप ट्रैक ऑर्डर का पेज एक्सेस कर पाओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो amazon.in associate लिखा है, लॉग इन यूजिंग योर एसोसिएट आईडी, दैट मींस आपका एसोसिएट आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके लॉग इन करना है। अब देख सकते हो यहाँ पे कस्टमर का लॉग इन होता है, कस्टमर का जो साइन इन होता है वो सिंपल ऊपर साइन इन करके लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। तो दैट मींस ये कस्टमर साइन इन है। स्टोर का आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है लॉग इन यूजिंग योर एसोसिएट आईडी amazon.in associate। तो यहाँ पे इससे ये कंफर्म कर सकते हो, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कस्टमर लॉगिन कौन सा है एंड स्टोर का लॉगिन कौन सा है करके। अभी हम डेमो आईडी का आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करते हैं, आपको बता दूंगा। तो अभी यहां पे आप देख सकते हो कि ट्रैक ऑर्डर का पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पे सिंपली उनका नंबर एंटर करना होगा जिन्हें आप आपके स्टोर के अंदर साइन इन कराते हो कस्टमर को, और जो ऑर्डर करते हो उनका नंबर यहाँ पे एंटर करके आप सर्च ऑर्डर कर सकते हो। जो ऑर्डर हमने अभी डेमो का देखा है वो ऑर्डर हम ट्रैक करके अभी चेक कर लेते हैं। भले इसका पेमेंट नहीं हुआ है बट हमने सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो अभी इसका पेमेंट तो मैंने अभी देखो, ये ऑर्डर 12/4 तक मैंने प्लेस किया, तो अगले दिन 15 अगस्त को 12/4 से पहले मैंने स्वाइपिंग मशीन के थ्रू इसका पेमेंट नहीं किया, ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना, कस्टमर को ये चीज बता देना है कि पेमेंट जो है वो 24 आवर्स के थ्रू स्वाइपिंग मशीन के थ्रू करना होगा कार्ड के थ्रू। तो ये ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया, इससे ये कंफर्म हो गया कि ये ऑर्डर प्रॉपर स्टोर से हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो 14 अगस्त को जो दूसरा ऑर्डर भी हुआ है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, और 10 अगस्त को जो ऑर्डर हुआ है वो भी दिखा रहा है, 24 जुलाई को जो ऑर्डर हुआ है। तो ये सारा डिटेल आप कब तक का दिखाएगा, लास्ट 45 डेज तक का जो भी ये कस्टमर ने मेरे स्टोर के थ्रू ऑर्डर किया होगा वो सारा डिटेल यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो मेरे स्टोर के थ्रू हुआ है वही दिखेगा। तो अब ये ऑर्डर हमने सक्सेसफुली प्लेस भी कर लिया और वो ऑर्डर को हमने ट्रैक भी कर लिया, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, आपका कमीशन। तो कमीशन कब रिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि आपने देखा होगा ऑर्डर का डिलीवरी डेट जो है वो दिखाया था 14 अगस्त, तो ये जो ऑर्डर है आज 18 अगस्त, तो ये जो ऑर्डर है हमने 14 अगस्त को प्लेस किया, तो 18 अगस्त को ये प्रोडक्ट डिलीवरी होगा।
तो आपका जो कमीशन है वो रिफ्लेक्ट होगा आपको 20 अगस्त के अंदर। तो प्रोडक्ट डिलीवरी होने के बाद 2 दिन के अंदर, 48 आवर्स के अंदर Amazon Easy ऐप में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आपको प्रोडक्ट डिलीवरी होने तक वेट करना है। वंस डिलीवरी हो गया उसके बाद 48 आवर्स के अंदर आप Amazon Easy में आपका जो कमीशन है वो भी देख सकते हो। अगर न्यू कस्टमर क्रिएट किया 600 के ऊपर ऑर्डर किया है तो उसका बोनस भी मिलना चाहिए, तो वो बोनस भी आपको Amazon Easy में 48 आवर्स के अंदर दिख जाएगा। इसके अंदर और भी बेनिफिट है, सिर्फ कमीशन बोनस नहीं, उसके अलावा इसके अंदर डील्स अपडेट होते हैं। अब डील्स वो अपडेट होते हैं जो अभी ट्रेंड में है, जिसके रेटिंग अच्छे है प्रोडक्ट्स के, तो वो सारे डील्स आप उसमें देख सकते हो, तो वो भी आप कस्टमर को शेयर कर पाओगे, तो वैसे भी आपका एडवर्टाइज हो सकता है। और कोई प्रॉब्लम है आपको Amazon पे, इजी पे, कोई कमीशन रिलेटेड प्रॉब्लम या प्रोडक्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर आप इशू भी रेज कर सकते हो। अगर आप इशू रेज करते हो तो आपको 2 से 7 दिन के अंदर उसके अंदर रिस्पॉन्स भी आ जाता है। तो ये सारा बेनिफिट आपको उस पर Amazon Easy ऐप के थ्रू मिलेगा। ये जो Amazon Easy ऐप है आप ये कंप्यूटर पे यूज नहीं कर पाओगे, ये मोबाइल में वर्क करेगा और एंड्रॉयड वर्जन में वर्क करेगा। तो ये चीज Amazon Easy जो है ये कंपलसरी आपको लॉग इन करके रखना है। मैं क्यों ये कंपलसरी बोल रहा हूँ, क्योंकि अब इसके अंदर आप लॉग इन रहोगे तभी Amazon को भी पता रहेगा कि आप एक्टिव हो, आप एक्टिविटी कर रहे हो। आपको जब भी टाइम मिले दिन में एक बार लॉग इन कर लेना है। अगर आप अभी रिसेंटली परचेस किए हो ये जो फ्रेंचाइजी है और अभी आप अभी पहली बार लॉग इन कर रहे हो Amazon Easy में, तो कोई डील्स आपको दिखेगा नहीं। डील्स तभी दिखेगा जब आप ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट करोगे, आप इसके अंदर एक्टिव रहोगे, इसके अंदर एक्टिविटी करते रहोगे, तभी आपको Amazon Easy में डील्स भी दिखेंगे। तो आपको इसके अंदर एक्टिव रहना है, आपको जब भी टाइम मिले इसके अंदर लॉग इन करके एक बार चेक कर लेना है। तो इसके अंदर आप एक्टिव रहोगे तो Amazon को भी पता रहेगा कि आप एक्टिव हो, आप स्टोर में वर्क कर रहे हो करके। तो Amazon Easy पे आपने कमीशन देख लिया, वॉलेट पे तो ऐड हो गया, अब आप उसे विड्रॉ कहां से करोगे, आपके पोर्टल के थ्रू। तो हम पोर्टल देखने से पहले इसे वापस से एक बार रिकॉल कर देते, शॉर्ट में मैं बता देता हूं, अभी भी जो भी हमने प्रोसीजर देखा उसे शॉर्ट में मैं बता देता हूं एक बार। तो पहले हमने एक एक्सटेंशन ऐड किया था क्रोम ब्राउजर में, तो ये एक्सटेंशन का लिंक यहां पे आपको सर्च करना है। जैसे ही ये लिंक सर्च करोगे आपके सामने ऐसा एक एसोसिएट स्टोर करके एक पेज ओपन होगा। अगर आप पहली बार सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऐड टू क्रोम लिखा होगा, तो हम ऐड टू क्रोम पे आप क्लिक कर दोगे। ऐड होने के बाद यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम करके लिखा होगा, दैट मीन्स ये प्रॉपर ऐड हो चुका है। और इसे चेक करने के लिए यहाँ पे आप जाओगे मोर टूल्स पे, ये एक्सटेंशन पे जाओगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि वो एक्सटेंशन सक्सेसफुली ऐड हुआ है करके। और उसके अलावा कोई भी Amazon का एक्सटेंशन दिख रहा है तो उसे रिमूव कर दो, क्योंकि जो स्टोर का एक्सटेंशन है वो एक ही एक्सटेंशन है, ये ऐड करके आप इजीली स्टोर का पेज एक्सेस कर सकते हो। तो अब ये ऐड हो गया, इसे चेक करने के लिए, सॉरी, अब स्टोर का पेज एक्सेस करने के लिए आपको store.amazon.in करके सर्च करना है। तो amazon.in करके आपको सर्च कभी भी नहीं करना है, store.amazon.in ही सर्च करना है। तो आपका स्टोर का पेज ओपन हो गया, यहाँ पे जो देख पा रहे हो वेलकम टू Amazon Easy स्टोर फ्रंट है, तो यहाँ पे आपका स्टोर का पेज ओपन है। तो ये जो साइन इन दिख रहा है ये कस्टमर का है, तो कस्टमर को आप साइन आउट कर दोगे। तो यहाँ पे दूसरा कोई कस्टमर आता है उन्हें भी यहाँ पे साइन इन करा के आप ऑर्डर प्लेस करा सकते हो। आपको कभी भी ये चीज ध्यान रखना है, ऊपर URL पे सर्च करोगे आपका स्टोर ओपन हो जाएगा। कभी भी ये चीज ध्यान रखना, आप कोई भी प्रोडक्ट गूगल पे सर्च नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल ब्राउजर ऐसा ओपन रखा है और Amazon का कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो, वॉच आप सर्च कर रहे हो यहां से, और यहाँ पे वॉच पे आप क्लिक करके ऐसा कोई प्रोडक्ट आप एक्सेस करते हो तो उसका कमीशन ऐड नहीं होगा। आपको प्रोडक्ट कभी भी सर्च करना हो तो यहां से, ये जो सर्च बार दिया गया है यहां से सर्च करना है, यहां से आपको कभी भी प्रोडक्ट सर्च नहीं करना है। वॉच सर्च करना है तो आपके स्टोर के अंदर से आपको वॉच करके सर्च करना है, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहां से ही आपको वो प्रोडक्ट जो है वो एक्सेस करके ऑर्डर प्लेस करना है, और कस्टमर को साइन इन कराने के बाद आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपको ऐड टू कार्ट क्लियर कर लेना है, आप खुद ऐड करोगे तो चलेगा। और सारा डिटेल देखने के बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करके वेरिफिकेशन के लिए एक OTP जाएगा, वो एंटर करोगे तभी आप बाय नाउ के आगे जो पेमेंट का पेज है वो एक्सेस कर पाओगे। तो ये सारा चीज आप देख लिया, स्टोर ऑर्डर का प्रोसीजर सारा आपको सक्सेसफुली आप कर दोगे। उसके बाद वो ऑर्डर ट्रैक करने के लिए आपको store.dashboard.amazon.in करके सर्च करना होता है।
तो ये दो पेज है, एक 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 ऑर्डर प्लेस करने का, ऑर्डर प्लेस करने का स्टोर डॉट अमेजोन डॉट इन, और वो ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए स्टोर डैशबोर्ड डॉट अमेजोन डॉट इन। और ये जो अमेजोन ईजी ऐप है, ये आपको मोबाइल में ही आप इसे यूज कर पाओगे। अगर अमेजोन ईजी ऐप आपको नहीं है या आप कई वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो आपके आरएम या सपोर्ट टीम पे कॉन्टेक्ट करिए, वो आपको गाइड कर देंगे या वो आपको एप्लीकेशन भी सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करके आपको सर्च कर लेना। तो ये प्रोसीजर है ऑर्डर प्लेस करने का, ऑर्डर प्लेस होने के बाद उसे ट्रैक करने का, उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवरी होने तक वेट करना होगा। प्रोडक्ट डिलीवरी होने के बाद 48 आवर्स के अंदर अमेजोन इजी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अब उसे विड्रॉ करने के लिए आपको 30 डेज वेट करना होता है। कमीशन 30 डेज बाद विड्रॉ कर पाओगे, वो पोर्टल के थ्रू होगा। तो वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि पोर्टल के थ्रू कैसे उसे विड्रॉ कर पाओगे वो सारा चीज। तो अभी ये जो ऑर्डर आपने ट्रैक कर लिया, उसके बाद यहाँ पे चेक कर लिया, सब कुछ आपने कर लिया, उसके बाद आप ओके। तो इसमें कुछ मिस नहीं हुआ है, मैंने एक बार सारा एक बार रिकॉल कर लिया, तो इसमें कुछ मिस हुआ नहीं है। तो मैंने सारा प्रोसीजर अभी आपको बता दिया है, तो ऐसे ही आपको वर्क करना है। तो अभी मैं आपको एक बार पोर्टल सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पोर्टल में कमीशन कहाँ पे दिखता है और कैसे रिफ्लेक्ट होता है करके। और पोर्टल आपको एक्सेस करने के लिए शॉप डॉट इजी सेल डॉट इन करके सर्च करना है। ये जो यूआरएल आप देख रहे हो ना, इजी सेल पोर्टल का जो यूआरएल है शॉप डॉट इजी सेल डॉट इन, इसके अलावा कोई भी यूआरएल का पेज आपको दिख रहा है तो वो अलग है, वो कोई डुप्लीकेट वेबसाइट है, तो वो आपको यूज नहीं करना है। तो ये शॉप डॉट इजी सेल डॉट इन ही ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से ही आपको आपका इजी सेल का पेज जो है वो एक्सेस करना है। अब इसका आईडी पासवर्ड आपके मेल में आया होगा, अगर उससे भी आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप फॉरवर्ड करके एक नया पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सपोर्ट टीम पे कॉन्टेक्ट करिए, वो आपको गाइड कर देंगे लॉग इन करने के लिए। अभी मेरे पास एक डेमो आईडी है, तो वो मैं आपको लॉग इन करके बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड का पेज ओपन हो गया इजी सेल का। तो जब आप पहली बार लॉगिन करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे अगर फ्री सर्विसेज दिया गया है, जैसे कि डीटीएच रिचार्ज, रिचार्ज करके फ्री सर्विसेज अमाउंट जीरो लिखा होगा, वो सारा बाय कर दीजिए। और एड बैलेंस के थ्रू, अब जो मशीन मैंने कहा था आपको, वो स्वाइपिंग मशीन, यहाँ से आप परचेस कर सकते हो एड बैलेंस करके। उसका प्राइस 3000 रुपीज है, 2000 रुपीज रिफंड हो जाएगा जब भी आप उसे रिटर्न करते हो, तो क्योंकि ये आपको जो है वो रेंट में मिलता है, और इसका रेंट जो है वो 250 to 300 होगा। इसका कोई पर्टिकुलर सर्विस चार्ज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कार्ड कितनी बार भी स्वाइप करोगे तो अकाउंट के थ्रू उसकी वो स्वाइप कर रहे हो, उसका कोई चार्जेस नहीं कटेगा, बट ये जो रेंट है वो आपको पे करना होगा। तो कस्टमर को कोई अलग सर्विस चार्ज नहीं कटेगा अगर वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करते हो। तो आपका सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, आपने जो पॉलिसी अग्रीमेंट जो साइन किया वो अग्रीमेंट भी फाइल भी यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो एड बैलेंस है, ये जो इजी टाइप डिवाइस है वो, या ये जो केवाईसी पॉइंट है वो परचेस करने के लिए, वो सर्विसेज परचेस करने के लिए आपको यूज होगा। इसके अलावा अगर आपको रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, जो भी रिचार्ज आपके करने होंगे, पेमेंट आपको करना होगा, या कोई ऑर्डर प्लेस करना है कोई भी प्रोडक्ट का, तो ये सारा चीज आप अमेजोन के थ्रू ही कर पाओगे। यहाँ पे एड बैलेंस करके आप कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर पाओगे, प्रोडक्ट ऑर्डर करने। मोबाइल रिचार्ज ऐसा कुछ कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे एड बैलेंस आपको तभी करना है अगर आपको ये जो डिवाइस है वो परचेस करना हो, या यहाँ पे केवाईसी पॉइंट जो सर्विस दिया गया वो अगर आपको खरीदना हो, तभी आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये सारा चीज आप एक बार क्लियर कर लीजिए, इसमें फिर भी डाउट होगा तो आप सपोर्ट टीम पे कॉन्टेक्ट करिए, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर कमीशन आपको चेक करना है इजी सेल में, तो आपको ये रिपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ कमीशन रिपोर्ट पे आना होगा। ये जो लॉन्च स्टेटस दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपको फोटोज अपलोड करना होता है। यहाँ पे अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको दो फोटो अपलोड करना होता है, एक अमेजोन इजी ऐप जो आपको मोबाइल में प्रोवाइड किया जाएगा, उसे इंस्टॉल करके उसका फोटो मेनू का आपको क्लिक करना होगा,
और जो एक्सटेंशन हमने ऐड किया था एसोसिएट स्टोर करके, जो पहले पहला स्टेप किया था ना हमने एक्सटेंशन का, वो एक्सटेंशन आपको इसे ऐड करना होता है और उसका स्क्रीनशॉट आपको इस पे अपलोड करना होता है। तो एक एक्सटेंशन का फोटो हो गया जो आप ऐड करते हो, उसका एक फोटो हो गया, ऐड करने के बाद एक फोटो क्लिक करना है, और जो अमेजोन इजी है उसका एक स्क्रीनशॉट। तो ये दो फोटो आप अपलोड कर दोगे तो वो जो पॉपअप है वेरिफिकेशन का तो वो रिमूव हो जाएगा, आपका इजी सेल का जो भी कंप्लीट सारा प्रोसेस है वो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। तो कमीशन रिपोर्ट पे आप डेट सेलेक्ट भी कर सकते हो, रेंज आपको, फॉर एग्जांपल आपको जून मंथ में आपने जितना भी वर्क किया उसका डेटा चाहिए, तो सिर्फ जून मंथ आप सेलेक्ट करके आप सर्च करोगे तो जून मंथ में जो भी आपका डेटा होगा वो सारा यहाँ पे आपको व्यू हो जाएगा। आप इंडिविजुअल हर एक प्रोडक्ट का कमीशन यहाँ पे इजीली देख सकते हो। तो यहाँ से रिपोर्ट से आप ये रिपोर्ट चेक कर पाओगे, आप कमीशन विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे विड्रॉल पे आ सकते हो, तो यहाँ से आप इजीली विड्रॉ कर पाओगे। विड्रॉल पे क्लिक करके जो अमाउंट आपको विड्रॉ करना है वो यहाँ पे एंटर करके आप विड्रॉ कर सकते हो। अब जो टोटल बैलेंस है वो अभी तक का आपका कमाई होगी कि कितना बैलेंस आपने अभी तक अर्न किया है। अब अवेलेबल बैलेंस वो होता है जो 30 डेज कंप्लीट कर चुका होता है, ये जो आपका टोटल अर्निंग्स है उसमें से जो 30 डेज कंप्लीट हो चुका है वो अमाउंट यहाँ पे आता है, तो वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करके जो अवेलेबल पे है वो विड्रॉ कर सकते हो, बट मिनिमम 300 होना चाहिए तभी आप उसे विड्रॉ कर पाओगे। और अभी तक का जितना भी आपने विड्रॉल किया है वो सारा चेक करने के लिए भी यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने जून मंथ में 4 बार विड्रॉ रिक्वेस्ट भेजा, तो वो जून मंथ का डेटा आपको चेक करना है कि कितना कितना अमाउंट आपने कब कब विड्रॉ रिक्वेस्ट भेजा है, तो वो डेट भी सेलेक्ट करके आप रेंज सेलेक्ट करके आप सर्च करोगे तो आपको वो भी दिख जाएगा। जो पेड हुआ है वो चेक करना है तो वो भी देख सकते हो, अनपेड भी चेक करना है वो भी देख सकते हो। अब पेड कब होगा, जब आपने फॉर एग्जाम्पल ये वीक में आपने अगर रिक्वेस्ट भेजा है तो नेक्स्ट वीक मंडे टू वेनेसडे के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है विड्रॉल का। तो आप विड्रॉल करके तुरंत ऐसा मत सोचिए कि आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपको वेट करना होगा, आपके वो अकाउंट में आएगा जो वेरिफिकेशन के टाइम पे जो बैंक डिटेल आपने प्रोवाइड किया होगा ना वही बैंक अकाउंट में आपका अमाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाता है। तो यही प्रोसीजर है, सारा प्रोसीजर आपको वर्क करने का। इसके रिगार्डिंग कोई भी इश्यू होगा आप इजी सेल पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमारा सपोर्ट टीम आपको जरूर हेल्प करेगा। आपके आरएम को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेगा। अगर कस्टमर केयर से बात कर रहे हो उनको भी सारा चीज का नॉलेज है, उनको भी सारा चीज का आइडिया है, इसके रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन उनको पूछ सकते हो, वो आपको रिसॉल्व करा देंगे। और ये जो भी प्रोसीजर है मैंने आपको समझाया, इसमें कोई भी डाउट होगा आपको कुछ समझ नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आपके आरएम को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे इसके रिलेटेड। इसमें मैंने जो भी चीजें बताई है इसमें कोई डाउट है आपको क्लियर करना है वो भी आपको गाइड किया जाएगा। और ये वीडियो में मैंने सारा चीज समझा दिया, अगर इसमें अगर आपको लगता है कि हाँ अगर ये कैसे होगा या ऐसा कुछ है वो समझाया नहीं, कुछ मिस हुआ आपको लग रहा है, तो आप वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, वो भी आपको क्लियर आउट कर देंगे। और थैंक यू। और आपको जब भी बिजनेस करना होगा आपको कुछ चीजें हैं वो भी ध्यान रखना, जैसे कि आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डर प्लेस करते वक्त आपको जो ऑर्डर का आईडी है वो रिपीटेड यूज नहीं करना है। अगर 10 ऑर्डर आप कर रहे हो तो 10 ऑर्डर में अगर आप एक आईडी दो आईडी दो ऑर्डर एक ही रिपीटेड आईडी से कर रहे हो तो चलेगा, बट अगर 10 ऑर्डर का आप 8 या 9 ऑर्डर जो है वो एक ही आईडी से करते हो, कस्टमर आईडी की बात कर रहा हूँ, एक ही आईडी से अगर आप करते हो तो उसमें दिक्कत हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जितना हो सकता है उतना कस्टमर आईडी यूज करना है और यूनिक आईडी यूज करना है। एक आईडी से ही बार बार ऑर्डर करोगे तो दिक्कत होगा, और यूपीआई आईडी भी रिपीटेड करोगे तो भी दिक्कत होगा। अगर पे एड स्टोर से आप पेमेंट कर रहे हो कार्ड के थ्रू और एक ही कार्ड से हर एक पेमेंट कर रहे हो तो भी ये प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि अमेजोन ने एक कॉन्सेप्ट ही निकाला है कि आपके शॉप में कस्टमर्स आए और ऑर्डर प्लेस करे तो कस्टमर एक ही कार्ड, हर एक कस्टमर के पास वो एक ही कार्ड नहीं है तो अलग अलग कार्ड से, तो अलग अलग कस्टमर अलग अलग पेमेंट करेंगे। तो आप एक ही कार्ड से कर रहे हो तो अमेजोन के लिए तो यही होगा कि आप खुद के लिए मंगा रहे हो और ऑफलाइन में उसे सेल कर रहे हो। तो अमेजोन ने ये जो कॉन्सेप्ट निकाला है कस्टमर्स के लिए निकाला है, स्टोर ओनर्स उनके लिए एक वेंडर बन के रहे कि ऑर्डर प्लेस कराए उनके लिए और उस चीज का बेनिफिट मिले स्टोर ओनर्स को। तो ये सारा प्रोसीजर है। अगर इसमें पेमेंट मेथड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपको डिसेबल हो रहा है, तो उसका भी रीजन होगा। अगर आपको पेमेंट मेथड आपको मिस दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको यूपीआई से आप एक ही बार ग्रोसरी का ऑर्डर आप ज्यादा कर रहे हो और यूपीआई से ही आप हर एक ऑर्डर कर रहे हो ग्रोसरी का और कोई भी कैटेगरी दूसरा ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे हो, तो आपका यूपीआई भी ब्लॉक हो सकता है, हो सकता है आपका आईडी भी कुछ दिनों के लिए ब्लॉक कर दे। तो आपको एक ही कैटेगरी भी यूज नहीं करना है, एक ही पेमेंट मेथड भी यूज नहीं करना है, हर एक चीज यूनिक करना है। अब एक कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, अब
मैं जो प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एयरबड्स ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मैंने जो एयरबड्स ऑर्डर किया है वैसे पांच अलग कस्टमर ने भी किया होगा, तो हम पांचों का अलग अलग पेमेंट मेथड हो सकता है, हम पांचों का अलग अलग डिटेल हो सकता है। अब पांचों का हमारा सेम होगा तो अमेजोन को तो यही लगेगा ना कि एक ही बंदे ने पांच प्रोडक्ट मंगाया, तो वैसे स्टोर के साथ भी होता है। तो आप एक ही चीज हर एक ऑर्डर पे यूज करोगे तो अमेजोन को यही लगेगा कि एक ही बंदा हर एक ऑर्डर कर रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट वैसा है ही नहीं। एक कस्टमर्स के लिए, मल्टीपल कस्टमर्स इसके बारे में जाने, अमेजोन में जो ऑर्डर करने के लिए डरते हैं, जो सोचते कि अगर मैं पेमेंट करता हूं तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए या प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उनका डर मिटाने के लिए अमेजोन ने ऐसा स्टोर का कॉन्सेप्ट निकाला। अगर आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ इश्यू आ रहा है, रिटर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सपोर्ट टीम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो आपको हेल्प कर देंगे, और आपके कस्टमर को भी आप गाइड किया कीजिए कि जो भी ऑर्डर करते हो तो वो जो ऑर्डर है वो अभी जब डिलीवरी हो जाएगा उनको, तो उसका एक वीडियो बना ले। तो कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम भी होता है, अगर उनके पास एक प्रूफ होगा तो ये चीज जो है वो डायरेक्ट हम अमेजोन को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उसके थ्रू उनको जो रिटर्न पॉलिसी है वो भी फास्ट होगा। तो ये सारा बेनिफिट है। अगर इसके बारे में आपको गाइडनेस चाहिए तो आप इजी सेल के सपोर्ट टीम में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको गाइड कर देंगे। और मैंने सारा प्रोसीजर आपको समझा दिया है, और इसके बाद भी आपको कोई इश्यू होगा प्लीज कॉन्टेक्ट इजी सेल, एंड थैंक यू ऑल।